माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 अगस्त और 28 अगस्त 2021 के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे, इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी, किस तरह के योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के बारे में। फिर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, करियर, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, नौकरी, दुकान, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो चलिए अब इन दो दिनों की तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं, चंद्रमा की स्थिति के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर ही आधारित है, तो चंद्रमा की स्थिति बेहद मायने रखती है। 27 अगस्त का दिन, ये शुक्रवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, अश्विनी नक्षत्र रहेगा, योग वृद्धि नाम का बनेगा और चंद्रमा मेष राशि में होंगे। सूर्य सिंह राशि मघा नक्षत्र में चल रहे हैं, दो बड़े ही उत्तम योग और बनेंगे इस दिन। पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और पूरा दिन रवि योग भी रहेगा। अभिजीत मुहूर्त है इस दिन का, सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक। अब 28 अगस्त का दिन शनिवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी, भरणी नक्षत्र रहेगा और ध्रुव नाम का योग बनेगा। चंद्रमा की स्थिति इस दिन भी मेष राशि में है और सूर्य तो आप ही की राशि में बैठे हैं। इस दिन त्रिपुष्कर योग बनेगा सुबह से अगले दिन तक और रवि योग बनेगा सुबह से अगले दिन तक, तो दोनों ही दिनों में योगों की भरमार है। अभिजीत मुहूर्त है इस दिन का सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक। तो अब इन दो दिनों में जो हम योगों की स्थिति देखें तो योग जो है वो बड़े मायने रखते हैं, योगों का प्रभाव बहुत अधिक होता है, क्योंकि कई बार आप जब जिस काम में भी आप मेहनत करते हैं वो काम आपका नहीं बन पाता है और कई बार थोड़े से मेहनत से ही आपका काम बन जाता है, तो ये जो सभी प्रभाव होता है ये योगों का प्रभाव होता है। अब पहले हम बात करेंगे 27 अगस्त के बारे में कि 27 अगस्त का दिन कैसा होगा आपके लिए। तो आज आपको एक तो आराम करने के लिए थोड़ा वक्त मिलेगा, अपने आप को रिलैक्स आप महसूस कर पाएंगे, करीबी दोस्तों के साथ, परिवार के साथ खुशी के कुछ पल बिताने की आपकी ज़रूरत होगी और उनके साथ पल बिता के, समय बिता के आपको काफ़ी प्रसन्नता भी होगी। आप इस बारे में भी ज़्यादा ध्यान देंगे कि आपको धन संचय कैसे करना है, इस हुनर की तरफ आप ज़्यादा ललायित रहेंगे, इस चीज़ को सीखने की कि किस किन किन चीज़ों से, किन किन इन्वेस्टमेंट से आप धन को बढ़ा सकते हैं, धन संचय कर सकते हैं। और अगर आप इस हुनर को सीख गए तो निश्चित रूप से धन में बढ़ोतरी कई तरह से कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों की इनकम कम होती है लेकिन जीवन में धन बहुत बचा लेते हैं, तो वैसी स्थितियां आपको भी अपनानी चाहिए। आपका जो स्वभाव है वो काफ़ी उदार होता है लेकिन कुछ लोग आपके उदार स्वभाव का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, तो चौकन्ने रहें, नहीं तो बाद में आप खुद को ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं। उदारता अच्छी है, एक हद तक ही ठीक होती है, ज़्यादा उदारता का लोग हमेशा फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन अगर आप अपना दायरा पार कर लें तो परेशानी बन जाती है। ये दिन आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा दिन भी हो सकता है जिसे आप कभी ना भूलें, प्यार में डूबने का दिन है और मौका मिलेगा आपको धनार्जन की क्षमता बढ़ाने के लिए, आपकी ताकत और आपकी समझ दोनों ही काम आने वाली है। आप ऑफिस जाते हैं, अगर रात के समय आप गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं कोई भी, तो सावधानी पूर्वक चलाएं, सावधानी से आपको वाहन चलाना होगा। इन दिनों में स्वास्थ्य थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, छोटी मोटी परेशानी होती है तो उसका समय रहते हुए आपको ट्रीटमेंट ज़रूर लेना है। प्रेम संबंध के लिए आज का समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, भावनाओं में ना बहें और किसी पर इतना विश्वास भी ना करें कि आगे चलकर वो आपके लिए मुसीबत बन जाए, तो प्रेम संबंध में आपको सावधानियां रखनी होंगी, धैर्य के साथ, संयम के साथ अपने कामों पर ध्यान देना होगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा और कुछ क्रोध की अधिकता थोड़ी रह सकती है क्योंकि चंद्रमा जो है वो मेष राशि में है जो मंगल की राशि है, तो क्रोध में आकर अपने संबंधों को खराब ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें।
अपने संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास करें, अपने संबंधों को एकदम पारदर्शिता बना के रखें तो अच्छा रहेगा। इस दौरान स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो समय है कई तरह से अनुकूल रहने वाला है। अब हम बात करते हैं 28 अगस्त के बारे में। इस दिन जो योग बने हैं वो त्रिपुष्कर योग है और रवि योग है। त्रिपुष्कर योग का मतलब होता है आपको 3 गुना लाभ की प्राप्ति कराने वाला, और वो कब होता है? जब आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। तो कई बार तो प्रयास करने से और मेहनत करने से भी लाभ नहीं मिलता, लेकिन जब आप इस दिन मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे अपने कामों में, तो निश्चित रूप से उसका जो शुभ प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा इस दिन भी मेष राशि में ही है, और ये दिन आपके लिए नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए वैसे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अपने कलीग्स के साथ बात करते समय थोड़ी आपको सावधानी रखनी होगी। जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखें। जीवन साथी को सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है, और अगर पहले से उनकी सेहत संबंधी कुछ परेशानी चल रही है तो ज़्यादा देखरेख की आवश्यकता होगी, तो उन पर अपना ध्यान जरूर केंद्रित करें। आज आपके अपने किसी प्रिय का बर्ताव थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, और किसी के भी सामने कोई भी तरह की झूठी शान शौकत बिल्कुल ना दिखाएं, क्योंकि वो चीज़ें आपके ऊपर भारी पड़ सकती हैं। बाकी प्रेम संबंध इस दिन अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध में कोई परेशानी इस दिन नहीं दिखाई दे रही है, और दाम्पत्य जीवन अच्छा है। बस दाम्पत्य जीवन में अपने साथी के सेहत का आपको ख्याल रखना है। आप आज कुछ जो सिंगल जातक हैं इस राशि के, वो ये महसूस कर सकते हैं कि आपको किसी से प्रेम हो गया है, और ये प्रेम आपको और अधिक गहरा होता हुआ दिखाई देगा। विवाहित लोगों को पत्नी की तरफ से कोई खुशी मिल सकती है, कोई खुशी की बात पता चल सकती है जो आज के आपके दिन को बना सकती है। तो कई बार ऐसे काम होते हैं जो आपके लिए अचानक से हो जाते हैं और जीवन में कई तरह के बदलाव ले आते हैं, एक नई उमंग, एक नया जोश भर देते हैं, एक नई खुशी आपके अंदर भर देते हैं। वैसे ही स्थितियाँ इन 2 दिनों में आपके लिए होने वाली हैं। अब यहाँ मेष राशि की जो चंद्रमा है, मेष राशि के चंद्रमा आपके अंदर एनर्जी को भी देने वाले होंगे, आपके अंदर ज़बरदस्त एनर्जी होगी, और 9वें भाव में है, आपका 9वां भाव होता है, भाग्य भाव होता है ये, तो भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। एक तो ग्रहों का प्रभाव रहेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा। जब भाग्य का आपका पूर्ण सहयोग होगा तो आप हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए सबसे अधिक ये चीज़ें मायने रखती हैं कि आपका अगर अभी प्लेसमेंट होने वाला है तो अपना आप पूरा 100% लेकर चलें, क्योंकि अभी अगर आप अपना 100% लेकर चलते हैं तो आपकी किस्मत, नक्षत्र, आपकी मेहनत, ये सभी चीज़ें मिलकर आपको एक अच्छा प्लेसमेंट दिखा सकती हैं, एक जीवन में बढ़ने की एक अच्छी राह दिखा सकती हैं। तो इसलिए इस समय को मजबूत समय मानकर आपको चलना है अपने करियर में तरक्की के लिए। उपाय के तौर पर अगर हम कहें कि आपको क्या उपाय इस दौरान आपको करना चाहिए, तो एक तो अगर आपके आसपास कहीं गौशाला है तो वहाँ हरा चारा आप दान कर सकते हैं, और साथ में आप जो सूर्य देव हैं आपकी राशि के स्वामी हैं उनको प्रतिदिन जल जरूर अर्पित करें, इससे आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी होंगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।